नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के बगना गांव में नदी किनारे झाड़ियों में मिले एक युवती के शव का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। परिजनों ने अपनी जिस बेटी का शव समझ दफना दिया था, वो सोमवार को जीवित अपने बच्चे के साथ सामने आ गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के पति को हत्या के आरोप में जेल भी भेज दिया था। ऐसे में पुलिस के समक्ष अब ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि जिसके लाश दफनाई गई थी वो कौन थी। दरअसल 8 सितंबर को नग्न अवस्था में एक युवती का अज्ञात शव मिला था। युवती के चेहरे पर पत्थर से वार किए गए थे। अगले दिन 9 सितंबर को शव की पहचान जाबिर अंसारी की पत्नी खुशबू निशा के रूप में उसके मायके वालों ने की और पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 3 दिनों से खुशबू अपने बेटे के साथ गायब है, उसके पति ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया और उन्होंने लाश को दफना दिया। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुशबू निशा के पति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। 8 सितंबर को झाड़ी में युवती का शव देखे जाने के बाद आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, पर किसी ने उसकी पहचान नहीं की थी। 8 सितंबर को झाड़ी में युवती का शव देखे जाने के बाद आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, पर किसी ने उसकी पहचान नहीं की। इसी बीच खुशबू को पहचानने वाले एक व्यक्ति ने युवती को छतरपुर में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब खुशबू के जिंदा होने की बात सामने आई। छतरपुर में महिला थाना की टीम खुशबू से पूछताछ कर रही है कि बच्चे के साथ वो क्यों गायब हुई, क्या उसके मायके वालों ने सच में बेटी को पहचानने में चूक कर दी या जानबूझकर उसके पति को फंसाने के लिए कोई साजिश रची गई है। साथ ही पुलिस के सामने अब ये भी बड़ा मामला सामने आ गया है कि दफन किया गया शव किसका था। वही झारखंड के जमशेदपुर में बेटे के प्रेम विवाह से नाराज मां ने गर्भवती बहू को कुल्हाड़ी से काट दिया, इससे उसकी मौत हो गई। दरअसल बेटे ने रिश्ते में मौसेरी बहन से ही प्रेम विवाह कर लिया था, उससे मां नाराज चल रही थी। एक दिन आपसी झगड़े के बाद महिला ने गर्भवती बहू पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चौका थाना क्षेत्र के जाता पहाड़धार गांव में गीता लायक के बेटे दीनबंधु ने परिवार के तमाम विरोध के बावजूद भी अपनी मौसेरी बहन से शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। बेटे की इस हरकत से मां गीता लायक काफी दिनों से नाराज भी चल रही थी। बीते रविवार को दीनबंधु घर से बाहर गया हुआ था, इस दौरान गीता लायक व उसकी बहू के बीच कोई विवाद हो गया। इसमें गीता लायक ने अपना आपा खो दिया और बहू पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आनंद फानंद में परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीनबंधु की पत्नी गर्भवती भी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक आरोपी गीता लायक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।